नमस्कार, लोकमत.com वरती तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आणखीन एका राज्याचा निकाल लागला, तिथेही भारतीय जनता पार्टीला यश आलं नाही. तिथेही सहकारी पक्षाला धोका दिल्याचा आरोप झाला. भाजपा जवळपास 31 लढली, पण त्यांना सरकार गमवावं लागलं. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर भाजपाला जे अभूतपूर्व यश मिळालं, त्याच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकांमधल्या भाजपाची कामगिरी ही कमालीची खालावल्याचं दिसून येतं. झारखंडमध्ये 81 जागांसाठी सुमारे 5 टप्प्यांत मतदान झालं. 2014 साली झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला 37 जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतासाठी 41 जागांचा आकडा जमवल्यानंतर भाजपानी 5 वर्ष झारखंडवर राज्य केलं होतं. रघुवर दास हे भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री होते, पण गेल्या 5 वर्षांत त्यांना सुशासन देता आलं नाही. सरकार विरोधी भावना निर्माण झाली. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना जनतेवर आणि पक्षावर छाप सोडता आली नाही, आणि त्याचा परिणाम म्हणजे एकूणच लोकांमध्ये सरकाराबद्दल नाराजी निर्माण झाली. त्यात भारतीय जनता पार्टीने महाराष्ट्रात जी चूक केली होती, नेमकी तीच चूक झारखंडमध्येही केली. मित्रपक्षाला सोबत घ्यायला नकार दिला. झारखंड विमुक्त मोर्चा या पक्षासोबतची युती तोडली आणि स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. भाजपाने 79 जागा लढवल्या आणि 25 जागा मिळवल्या. त्यांना 12 जागा गमवाव्या लागल्या. झारखंड मुक्ती मोर्चाने मित्रपक्षांच्या मदतीने 46 जागा मिळवल्या. हेमंत सोरेन हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेतृत्व करत असल्यामुळे त्यांची रणनीती ही अमित शाह यांच्या डावपेचांपेक्षा जास्त यशस्वी ठरल्याचं या निवडणुकीत दिसून आलंय. त्यामुळे झारखंडमध्येही भाजपा सत्तेपासून दूर गेलाय. भाजपाला या निवडणुकीत पराभव का स्वीकारावा लागला? नतीजे लगभग हमारे सामने है और ये सामने आ रहा है कि यहाँ पर भाजपा की हार हो रही है. तो इस हार की अगर हम समीक्षा करें और ये जानने का प्रयास करें कि भाजपा यहाँ क्यों हारी है, तो उसके 3 मुख्य वजह सामने दिखती है. इनमें से एक है राज्य में अप्रत्याशित रूप से नए मुख्यमंत्री को लाना. जिस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लाया गया और स्थापित नेताओं को किनारे किया गया, उसी तरीके से झारखंड में भी इसी तरह की स्थिति सामने आई है. रघुवर दास अचानक से सामने लाया गया, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित था, और महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी जनता उनसे अपने को जनता कहें या भाजपा नेता जो स्थानीय नेता हैं जो राज्य की का नेतृत्व उनसे अपने को जोड़ नहीं पाए. तो एक वजह यह है. दूसरी वजह हम कह सकते हैं वो है अभी नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर जो देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और जिस तरह से सभी दल एकजुट हो गए और खासकर कांग्रेस ने जिस तरीके से इसमें लीड लिया है, उसको भी एक वजह माना जा सकता है. और राज्य में जो राज्य भाजपा है या केंद्रीय भाजपा है, दोनों ही झारखंड की जनता को यह समझाने में संभवतः विफल रही है कि NRC पर अभी कोई औपचारिक न घोषणा हुई है न काम शुरू हुआ है. और इसी तरीके से नागरिकता संशोधन कानून पर भी वो जिसे भाजपा भ्रम कह रही है उसको दूर करने में असफल रही है. तीसरी वजह जो भाजपा की हो सकती है वो ये है कि अन्य दलों के साथ उसका गठबंधन ना होना या गठबंधन को लेकर जिस तरीके से खींचतान चली और गैर आदिवासी चेहरा बनाम आदिवासी चेहरा इसको लेकर जो लड़ाई चली, उसमें भी मेरे को लगता है कि भाजपा को नुकसान हुआ है और इसमें कांग्रेस ने गेन किया है. तो ये 3 मुख्य वजह मुझे लगता है कि झारखंड में भाजपा के चुनावी हार की वजह रही है. पक्षाला तिकीट वाटपही नीट करता आलं नाही. ज्या राज्यात आदिवासी जास्त आहेत त्या राज्याला आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून देता आला नाही. राज्यात भाजपाला सांभाळणारा एकही चेहरा नाही, त्यामुळेच त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विधानसभा निवडणुकीत वापर करावा लागला. या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने राष्ट्रीय पातळीवरच्या विषयांना जास्त महत्व दिलं. राज्यातल्या जनतेला भेडसावणाऱ्या अडचणींवर भर देण्यात त्यांना अपयश आलं, त्यामुळेच राष्ट्रीय मुद्दे हे विधानसभा निवडणुकीत चालत नाहीत, हेच या निवडणुकीने पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय. लोकसभा निवडणुकीनंतर अमित शाह यांना फारसं यश मिळालं नाही. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून त्यांना हरियाणामध्ये अभय चौटालाच्या पक्षाची मदत घेऊन सरकार बनवावं लागलं. महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबतच्या वाटाघाटी फिसकटल्या आणि सगळ्यात जास्त जागा मिळूनही त्यांना आता विरोधी बाकांवर बसावं लागतंय.
झारखंडमध्येही विरोधक एकत्रितपणे लढत असताना त्यांना स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. यातून भारतीय जनता पार्टी झारखंडमध्ये अति आत्मविश्वासाचा बळी ठरली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. झारखंड में भाजपा जो है महाराष्ट्र मॉडल अपना सकती है, जहां तीनों विपरीत विचारधारा के लोग एक साथ आ सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में इस तरह की स्थिति नहीं है. और अगर आप देखेंगे सीटों की जो टैली आई है, उसमें फिलहाल तक 42 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आगे चल रहे हैं. भाजपा सिर्फ 29 पर है. JVM 4 सीटों पर है. आसू 2 सीटों पर है. अन्य 4 सीटों पर है. तो वहाँ मेरे को लगता है कि विपरीत विचारधारा के लोगों की आने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है, और क्योंकि अभी सुबोधकांत सहाय ने बोला है कि हम बाबूलाल मरांडी इवन लेफ्ट के साथ भी को भी साथ लाने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल शायद भाजपा नहीं अपना पाएगी. और यहाँ पर भी भाजपा के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है. झारखंड में कांग्रेस और समर्थित दल शायद सरकार बनाएंगे और सोरेन जो हैं उनको मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भाजपा कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है. तो महाराष्ट्र मॉडल वहां शायद नहीं होगा. कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार वहां बनती दिख रही है. आता पुढच्या वर्षी म्हणजे जानेवारी महिन्यात दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होणार आणि या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी आम आदमी सरकार पाडणार का, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, लोकमत.com.